देखिए 2017 में सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए बृहत कार्य योजना बनाई, उस पर काम किया, बड़े सार्थक परिणाम उसके आए और उसका परिणाम कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने काफी लंबे समय के बाद किसी भी सरकार की पुनरावृत्ति कराई है, एक इतिहास बनाते हैं। इसलिए दूसरे कार्यकाल में भी योगी जी की सरकार ने एक समय सीमा निर्धारित करते हुए एक लक्ष्य बनाते हैं एक बड़ी कार्य योजना बनाई, 100 दिन का एक लक्ष्य निर्धारित किया, हर विभागों को एक लक्ष्य दिया गया और उस पर सभी विभाग के माननीय मंत्रीगण, सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, सब लोगों ने मिलकर सामूहिक प्रयास किया। आज परिणाम हम लोगों के सामने है। सरकार ने 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया है, फिर 6 महीना का लक्ष्य निर्धारित किया है, फिर 1 साल का लक्ष्य निर्धारित किया है, 2 साल का लक्ष्य निर्धारित किया है, 5 साल का लक्ष्य निर्धारित किया है। हम लक्ष्य निर्धारित करके एक बड़ी कार्य योजना बनाकर एक सिस्टम के साथ एक व्यवस्थित तरीके से सरकार ने कामकाज शुरू किया है। मंत्रिमंडल का समूह मंडलवार दौरे कर रहा है, जनता स्वागत कर रही है, सरकार की सक्रियता धरातल पर दिखाई दे रही है, जिसका परिणाम हम लोगों के सामने है। जनता का भरपूर आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल रहा है, जिसका उदाहरण अभी आजमगढ़ के उपचुनाव में और रामपुर के उपचुनाव में हम लोगों को देखने को मिला। हर प्रकार के बंधनों को तोड़कर, विशेष तौर पे जातीय बंधन को तोड़ते हुए, कमल के निशान के बटन को दबाकर भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, वहाँ की सम्मानित जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। ये जो हमारी जो कार्य पद्धति है, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है, जो जनता का भरोसा जीत रही है, जो जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित किया है सरकार ने, ये उसी का परिणाम है। तो 100 दिन का जो टारगेट था हमारा, सब विभागों ने समय से पहले अपने लक्ष्य को पाने का काम किया है। आगे हम 6 महीना पर जो हमारा लक्ष्य है, हम उस तरफ आगे, पूरी सरकार बढ़ गई है, हम बढ़ गए। मंत्री जी, सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है और हमारे यहाँ 18 दिन से अधिवक्तागण एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हड़ताल पर है। अगर हड़ताल पर हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे सम्मानित जो अधिवक्ता साथी हैं, अगर उनकी कोई मांग है, कोई शिकायत है, तो हम आमंत्रित करते हैं, हमको वो बताएं, हम जरूर उसको दिखाएं। अच्छा, आपने कहा कि रामपुर और आजमगढ़ की बात करी, और रामपुर में जैसे अभी आजम खान आ चुके हैं वापस, तो सक्रियता भी हो रही है, क्या लगता है बेअसर हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल, जनता ऊब गई है ऐसे लोगों से जो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जो समाज को बांट कर राजनीति करना चाहते हैं। समाज के विकास से ऐसे लोगों का कोई लेना देना नहीं है, जनता इस बात को बहुत अच्छी तरीके से पहचान गई है, इसीलिए तो साथ छोड़ रही है, इसीलिए तो भाजपा के साथ जनता चल रही है। जैसे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजभर और राजा भैया लोगों ने योगी से मुलाकात की, तो क्या माना जाए कि क्या भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं राजभर? नहीं, हम लोग ऐसे सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो एक अनुसूचित जनजाति की एक योग्य उम्मीदवार को, जो प्रधानमंत्री जी ने जिनका चयन किया है, उनके समर्थन में जो लोग भी आए, सबका स्वागत। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी अब अखिलेश जी के ही सवाल उठाने लगे कि वो एसी में से निकल के बाहर आए, अब ये वो बताएं तो ज्यादा अच्छा है। सवाल आपका उनका हमेशा चलता रहता है। दोनों लोग एक ही समाज से हैं, दोनों लोग एक ही समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, हम लोग
समाज ने नेता बनाया है, समाज की सेवा में लगे हुए हैं। जिले मंत्री जी, यही बता दीजिए आपकी क्या राय है उनके प्रति, कुछ आप अपना सलाह देना चाहें अगर ओम प्रकाश राजभर को? नहीं, हमसे अगर भाजपा में आए तो आप स्वागत करेंगे या नहीं? नहीं, ये अधिकार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक अनुशासित परिवार है। यहाँ सबको फैसला लेने जैसा कुछ नहीं, यहाँ सामूहिक फैसले होते हैं। छोटे भी सलाह देते और राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा हम उसका स्वागत। अच्छा, आपका नेतृत्व बहुत सख्त माना जाता है, अगर मान लीजिए उन्होंने उनको नहीं एक्सेप्ट किया तो आपसे अगर सिफारिश करवाई तो आप तैयार हो जाएंगे? नहीं, हम राष्ट्रीय नेतृत्व के पास भेजेंगे कि वहाँ जाकर आप माफी माफी करिए। अच्छा मंत्री जी, अभी आप ODOP की बात कर रहे थे, गोंडा में ODOP को क्या मिला, इसकी जानकारी है क्या हम लोग को? मुझे तो नहीं मिला। क्या आप सम्मानित प्रेस से हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपको देश सम्मान करता है, समाज सम्मान करता है, तो कम से कम हम जिस जनपद में रहते हैं वहाँ के बारे में तो हम लोगों को जानना ही चाहिए। तो जितनी जानकारी मुझे लग रहा है कुछ नहीं, गोंडा की गोंडा की पहचान सरकार तो आपको मदद करने के लिए तैयार है। आप किसानों को कहिए जो मक्का पैदा करते हैं, जो जो बात नहीं रखते, जो जो किसान हमारे मक्का पैदा करते हैं उनको आप भी प्रेरित करिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठावें। अच्छा मंत्री जी, दावते इस्लामिक संगठन जो कि आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, आपने कहा था कि जो भी अपराधी हैं वो उत्तर प्रदेश से बाहर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो संगठन सक्रिय है और ठीक 2 महीने पहले कानपुर में इसकी मीटिंग भी हुई, उसके बाद यहाँ पर हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं, सभी मीडिया को भी विश्वास दिलाते हैं, आपके सभी सम्मानित दर्शकों को भी विश्वास दिलाते हैं कि चाहे वो कोई संगठन हो, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर समाज में विघटन पैदा करने की कोई प्रयास करेगा, कोई संगठन अशांति पैदा करने का प्रयास करेगा, तो सरकार बहुत सख्ती से निपटेगी और निश्चित तौर पर समाज को तोड़ने वाले लोगों को भारी पछतावा। अब तो जांच हो चुकी है मंत्री जी, आपकी जांच कार्रवाई हो रही है, जांच की एजेंसी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो वहां पर चंदा वसूली हो रही थी वो इस्लामिक उसमें लग रहा है, कार्रवाई तो हो रही है, बाबा का बुलडोजर भी उधर मुंह कर लिया है। सर, जो 10,000 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं, सर किसके विभाग में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, किसके विभाग में 10,000 नियुक्तियां? नहीं, हर विभागों को मिलाकर, अगर आप चाहते हैं उसका डिटेल हम आपको भिजवा देंगे, हर विभागों को मिलाकर पूरी सरकार ने 10,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी में समाज, जिन युवाओं को ऋण दिया गया उनको नौकरी क्यों नहीं दिया गया, ऋण क्यों आवश्यकता समझेगी? नहीं, वो जिन लोगों ने मांगा, भाई बहुत से नौजवान हैं पढ़ लिख कर आए, वो व्यापार करना चाहते हैं, कोई रोजगार करना चाहते हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। इनके लक्ष्य में कब फॉर्म पड़ा, कब एग्जाम हो, कब रिजल्ट आए, कब नियुक्ति मिली, वो सब हमारी तैयारी थी भाई, हमें विश्वास था कि जनता हमें भरोसा था, जनता हमें आशीर्वाद। अच्छा, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश हो जाएगा और अखिलेश कह रहे हैं कि आपने बर्बाद कर दिया, अब ये तो जनता बता देगी, जनता की अदालत से अभी हम लोग बाहर आए हैं, जनता से बड़ी अदालत कौन होती है लोकतंत्र? मंत्री जी, आप प्रभारी, तो जनता का तो फैसला हम लोगों के सामने आ चुका है। अखिलेश जी की बात को जनता पसंद करती है कि योगी जी की बात को, भाजपा की बात को पसंद करती है कि समाजवादियों की बात को पसंद करती है, ये तो जनता ने अपना फैसला दे दिया ना अभी 100 दिन पहले, तो इससे सबक लेना चाहिए। हम लोग तो ये सुझाव देंगे कि जमीनी सच्चाई को जाने और जन भावनाओं का आदर करें, नहीं तो राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। मंत्री जी, आप प्रभारी मंत्री, राजनीतिक अस्तित्व अखिलेश जैसे लोगों का। मंत्री जी, आप प्रभारी मंत्री हैं और गोंडा में बाढ़ के समय, जैसे बाढ़ आने वाला, इसको लेकर यहाँ पर ड्रेजिंग कराया गया, ड्रेजिंग कार्य भी नहीं पूरा हुआ, उसमें भी घोटाले हुए हैं। नहीं, कैसे बालू जो निकला था सर, बालू को अभी, अभी हम लोग आए थे, बालू को नीलाम करना था सर, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस पे मीटिंग हुई है, सरकार पूरी तरीके से बाढ़ को लेकर संवेदनशील है, गर्मी के दिन में भी 4 महीना पहले से हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर बात करते रहे हैं, मीटिंग करते रहे हैं, समीक्षा करते रहे हैं, और आप सबको हम आश्वस्त करना चाहते हैं और गर्व के साथ बढ़ाना चाहते हैं। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि बाढ़ की समस्या को हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, लेकिन ये ज़रूर है कि बाढ़ की समस्या का अस्थाई समाधान जो होना चाहिए उस तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा मजबूती से। अच्छा, जो ड्रेजिंग में बालू निकला था उसको नीलाम करना था सर, वो नीलाम नहीं किया गया। बात नहीं, बाद में नीलाम हो जाएगा, समस्या ये नहीं है। नदीम बह जाएगा सर, कहाँ बह जाएगा, सरकार का नुकसान होगा? नहीं, नुकसान होने दिया जाएगा किसी भी चीज का, आप सब लोग एकदम निश्चिंत रहें। अच्छा, ड्रेजिंग का काम ही नहीं कंप्लीट हुआ तो कैसे माना जाए कि बंदा सुरक्षित है? आप सरकार कह रही थी ड्रेजिंग का काम कंप्लीट कर लेंगे, पारा हम जाएंगे नहीं। हाँ, ड्रेजिंग का काम देखिए, बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए
कई कई प्रकार के प्रयास होते हैं, उसमें ड्रेजिंग भी एक काम है और आप सब लोग जानते हैं कि ड्रेजिंग एक बड़ा काम है। ड्रेजिंग ऐसा नहीं है कि चार महीना में ही पूरा हो जाए, छः महीना में ही पूरा हो जाए। कहीं कहीं जैसे हमारे यहाँ अभी बनारस में हम लोग ड्रेजिंग करा रहे हैं, बलिया में हम लोगों ने ड्रेजिंग कराया, 2 साल में ड्रेजिंग का काम पूरा हुआ। तो कहीं कहीं छोटा ड्रेजिंग होता है तो जल्दी हो जाता है, कहीं बड़े ड्रेजिंग का काम है तो उसके कार्यावधि निर्धारित होती है और कार्यावधि के अंदर ही काम संपन्न होगा।